चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, इन विच आईयूपीएसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो गाइस आज के सेशन में हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे एल्केन का, बट बिफोर दैट हमें समझना पड़ेगा कुछ फॉर्मुलेस, हमें समझना पड़ेगा वर्ड रूट क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। गाइस सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ड रूट की, वर्ड रूट। सो गाइस वर्ड रूट क्या होता है, सपोज मानिए आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात करें और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर आपको किसी कंपाउंड में, अगर आपको किसी कंपाउंड में एक कार्बन दिखाई देता है, एक सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन दिखाई देता है, तो आप वर्ड रूट वहां पे लिखेंगे मेथ। क्या लिखेंगे गाइस, मेथ। जैसे एग्जांपल मैं आपको इसका दिखाऊं तो आपने देखा होगा मीथेन को, सो वी हैव CH4। तो आप देख रहे हैं इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड के पास सिर्फ एक ही कार्बन है, इट मींस इसका वर्ड रूट क्या है यहाँ पे, मेथ। अगर आपको किसी कंपाउंड में दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं गाइस तो आप लिखेंगे एथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा C2H6, आप देखेंगे कि इस कंपाउंड में दो कार्बन है, इट मींस इसका वर्ड रूट क्या है यहाँ पे, एथ। अगर आपको किसी कंपाउंड में तीन कार्बन दिखाई देते हैं गाइस तो हम लिखते हैं प्रॉप। अगर किसी कंपाउंड में आपको चार कार्बन दिखाई देंगे तो हम लिखेंगे बुट। अगर किसी कंपाउंड में आपको पांच कार्बन दिखाई देते हैं तो हम लिखेंगे गाइस पेंट। अगर दिखाई देते हैं सिक्स कार्बन तो हम लिखेंगे हेक्स। अगर सेवन कार्बन दिखाई देते हैं तो हम लिखते हैं हेप्ट। एट कार्बन दिखाई देते हैं तो हम लिखेंगे ऑक्ट। नाइन कार्बन दिखाई देते हैं तो हम लिखते हैं नॉन। और अगर आपको दस कार्बन दिखाई देंगे गाइस किसी कंपाउंड में तो हम लिखेंगे डेक। सो गाइस ये था वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है, वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या बताता है वर्ड रूट, हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन है वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगा वर्ड रूट। और वर्ड रूट कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन तो आप लिखेंगे मेथ, दो पे लिखेंगे एथ, तीन पे लिखेंगे प्रॉप, चार पे लिखेंगे बुट, ऐसी ही चलेगा, सो ऑन ऐसी चलता रहेगा गाइस। तो वर्ड रूट का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। वर्ड रूट हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पर्टिकुलर कंपाउंड। अब देखिए यहां पे सेकंड वर्ड है, वी कॉल इट प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अब गाइस प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा। क्या बोला मैंने, बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, वो कौन बताएगा हमें, प्राइमरी सफिक्स, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम वो हमें बताएगा प्राइमरी सफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आता है सिंगल बॉन्ड तो हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे, ए। और ये ए कहां से आया, एल्केन से। आपको पता है एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, दैट्स व्हाई वहां पे हम प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं ए। अगर किसी कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड वाले को हम कहते थे एल्कीन, तो वहां पे प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा ईन। क्लियर गाइस, अगर किसी कंपाउंड में आपको कार्बन और कार्बन के बीच में दिखाई देता है ट्रिपल बॉन्ड, इट मींस ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन, तो एल्काइन का प्राइमरी सफिक्स क्या होता था, वाई एन ई। अब सपोज मानिए गाइस अगर किसी कंपाउंड में आपको दो डबल बॉन्ड मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से दो डबल बॉन्ड मिल जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए आप लिखते हैं ईन, लेकिन दो है तो आप क्या लिखेंगे, डाइन। अब अगर आपको किसी कंपाउंड में तीन ट्रिपल बॉन्ड मिल जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तीन या दो मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो ट्रिपल बॉन्ड है इस कंपाउंड में तो आप क्या लिखेंगे, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप लिखते थे वाई एन ई, और दो है तो आप क्या लिखेंगे, डाई। सो गाइस अभी जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे एल्केन की तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ड रूट, उसके बाद हम लोग लगा देंगे प्राइमरी सफिक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब हम आईयूपीएसी नेमिंग या नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे, जिसमें वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो पे एथ, तीन पे प्रॉप, सो ऑन। और दूसरा होता है प्राइमरी सफिक्स जो बताता है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखेंगे एन, डबल है तो आप लिखेंगे ईन, ट्रिपल है तो आप क्या लिखेंगे, आईन। अगर दो डबल है तो आप लिखेंगे डाई ईन, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लिखेंगे, डाई आईन। आई होप आपको ये वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं नोमेनक्लेचर किसका, एल्केन का। बात करने वाले हैं एल्केन की, और एल्केन में मैंने आपको तीन पॉइंट याद करवाया था, और वो तीन पॉइंट क्या था, एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। सेकंड पॉइंट इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम।
और तीसरी चीज मैंने आपको बताया था कि इसमें जो प्राइमरी सफिक्स लगता है एल्केन में वो लास्ट के तीन वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं एन, और एन क्यों लगा क्योंकि कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। जब हम एल्केन की आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे वर्ड रूट और पीछे क्या लगा देंगे प्राइमरी सफिक्स। और आपको पता है एल्केन को एक नाम और कहा जाता है ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, पैराफिन्स भी इन्हें कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की, फॉर्मूले बनाते हैं देन स्ट्रक्चर बनाएंगे देन स्ट्रक्चर के बाद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सपोज मानिए अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1, मतलब n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 का मतलब आपके पास कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में n की जगह पे 1 रखते हैं तो आप देखेंगे ये रहा कार्बन, n की जगह पे 1 रखें, ये 1 रखा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला आपका बनेगा CH4। तो अगर आप किसी कंपाउंड में n की जगह पे 1 रखते हैं एल्केन में तो आपको मिलेगा CH4। वहीं पे सपोज मानिए अगर आपके पास है नंबर ऑफ कार्बन 2 तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, रख दीजिए फॉर्मूले में तो फॉर्मूला क्या बनेगा C2, ये बनेगा H2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, तो गाइस ये बन जाएगा C2H6। वहीं पे सपोज मानिए अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, इट मींस n की वैल्यू क्या होगी 3, और अगर आप फॉर्मूले में रखते हैं n की जगह पे 3 तो वी हैव C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, तो ये बनेगा C3H8 गाइस। तो गाइस हुआ क्या, हमने इस जनरल फॉर्मूले से एल्केन के फॉर्मूले डिस्क्राइब कर दिए, इसे हम कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला, जिसमें पहले पे जब एक कार्बन होगा तो हमें मिलेगा CH4, दो कार्बन पे हमें मिलेगा C2H6 और तीन कार्बन पे हमें मिलेगा C3H8। चलिए मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपको पता है कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी दिखाता है, इट मींस कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है 4। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये रहा कार्बन और आपको पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा तीसरा हाइड्रोजन और ये रहा गाइस हमारा चौथा हाइड्रोजन। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपके पास C2H6 है तो कैसे बनाएंगे, दो कार्बन है हमारे पास, आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, आप चार बॉन्ड कंप्लीट कीजिए, इस कार्बन का पहला बॉन्ड ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, इस कार्बन का पहला बॉन्ड दूसरा तीसरा चौथा, तो चार बॉन्ड आपको कंप्लीट करने हैं हर एक कार्बन के, तो आप देखेंगे आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो कंडेंस फॉर्मूला था आपका C2H6। मूव करते हैं C3H8 की तरफ, सो वी हैव 3 कार्बन, ये रहा हमारे पास 3 कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि हम एल्केन पर हैं। अब चार बॉन्ड कंप्लीट कीजिए कार्बन के, कार्बन का पहला बॉन्ड दूसरा तीसरा चौथा, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे जब आप कार्बन के चार बॉन्ड को बैलेंस कर पाएंगे, तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला बन रहा है C3H8। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एन की वैल्यू रखकर कंडेंस फॉर्मूला बनाया, कंडेंस फॉर्मूले से हमने स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग क्या लिखेंगे इसका आईयूपीएसी में। जैसे फर्स्ट वाले कार्बन में फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, तो आप देखेंगे यहां पे एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन में हम वर्ड रूट क्या लिखते हैं गाइस, आपको पता हम लोग लिखते हैं मेथ, तो ये मेथ आपका क्या हो गया वर्ड रूट, और मैंने कहा था वर्ड रूट के पीछे आपको क्या लगाना है प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स यहां पे क्या है ए, तो नाम बन गया मीथेन। तो गाइस CH4 को हम लोग कहते हैं मीथेन, जिसमें मेथ हो गया वर्ड रूट और एन हो गया प्राइमरी सफिक्स। यहां पे आपके पास दो कार्बन है तो एक कार्बन दो कार्बन और दो कार्बन पे वर्ड रूट हम लोग लिखते थे एथ, तो एथ हमारा क्या हो गया वर्ड रूट, और सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखते हैं एन, और एन यहां पे क्या हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, और ये हो गई इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की नेम। मूव करते हैं इस कंपाउंड में, वी हैव 3 1 2 3, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन पे वर्ड रूट हम लोग क्या लिखते हैं प्रॉप, ये रहा प्रॉप विच वी कॉल्ड वर्ड रूट, और सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे एन, और ये एन हमारा क्या है यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स गाइस। तो इस तरीके से गाइस हम लोग क्या करते हैं फॉर जनरल फॉर्मूले में एन की वैल्यू रखते हैं और एन की वैल्यू से सबसे पहले कंडेंस फॉर्मूला बनता है, कंडेंस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। सो आई होप आपको एल्केन की नेमिंग समझ में आ गई। चलिए गाइस चलते हैं और मूव करते हैं सेकेंड हाइड्रोकार्बन की तरफ विच वी कॉल्ड एल्कीन। अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं तो एल्कीन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। सेकेंड, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां पे n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम है गाइस। थर्ड पॉइंट यहां पे ये है गाइस कि यहां पे जो हम प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं वो लास्ट के तीन वर्ड है विच वी कॉल्ड ईन, तो यहां पे प्राइमरी सफिक्स ईन यूज होगा। एल्कीन को हम एक नाम और कहते हैं, एल्कीन इज आल्सो नोन एज ऑलिफेंस,
इन्हें हम ऑलिफेंस भी कहते हैं क्योंकि ये ऑयल रिमूव करते हैं, ऑयल को क्या करते हैं रिमूव करते हैं गाइस। और जब हम इनकी IUPAC नेमिंग लिखेंगे एल्कीन की, तो आपको पता है आप सबसे पहले क्या लिखते हो, वर्ड रूट लिखते हो, देन आप क्या लिखते हो प्राइमरी सफिक्स लिखते हो गाइस। यहाँ पे जो आपका वर्ड रूट है, वर्ड रूट हमें क्या बताता है, वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, और प्राइमरी सफिक्स बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैं एन की जगह पे डालता हूं वन, तो एन की जगह पे जब हम वन डालेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C1 और ये बन जाएगा H2। आप डाल के देख सकते हैं, मूव करते सेकंड, अगर मैं यहाँ पे एन की जगह पे डालता हूं टू, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा C2H4 गाइस। वहीं पे अगर मैं एन की जगह पे डालता हूं थ्री, तो जैसे ही मैं थ्री डालूंगा ये फॉर्मूला बन जाएगा C3H6। फोर, अगर मैं यहाँ पे एन की जगह पे डालता हूँ फोर, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा C4H8। सो गाइज ये हमने क्या किया, एन की वैल्यू डाली, एन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जैसे जैसे हम एन की वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे हमें इनका कंडेंस फॉर्मूला मिलता जाएगा। अब मूव करते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, तो सबसे पहले फॉर्मूला बना लिया, अब मूव करेंगे स्ट्रक्चर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे CH2 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ गाइज, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है और एक कार्बन पे हम डबल बॉन्ड तो ला नहीं सकते, दूसरा कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे देखिए इसने हाइड्रोजन के साथ दो ही तो बॉन्ड बनाए हैं, तो बाकी के दो बॉन्ड कहाँ गए। क्या बोला मैंने, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे CH2 का डायग्राम बनाता हूँ, तो आपको पता हम तो एल्कीन पर रहे हैं, एल्कीन में क्या आना चाहिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं, दूसरा कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी दिखाता है, इट मींस कार्बन चार बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पे कार्बन ने सिर्फ दो ही तो बॉन्ड फॉर्म किए हैं हाइड्रोजन के साथ। इसलिए ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब हम एल्कीन पढ़ रहे हो, तो एल्कीन में गाइस अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूं, तो आप यहाँ पे एक कार्बन देख रहे हो मिथ और ईन कभी नहीं बनता गाइस, मिथीन कभी नहीं बन सकता एल्कीन में। एल्कीन की स्टार्टिंग होती है जब एन की वैल्यू 2 हो, क्योंकि एन की वैल्यू 1 में आपको ना तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिखेगा और ना कार्बन यहाँ पे चार बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है। तो रीजन क्या है, कार्बन जो है यहाँ पे चार बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से मिथीन कभी नहीं बन सकता। मूव करते हैं सेकंड की तरफ, तो वी हैव C2H4, तो हमारे पास यहाँ पे है दो कार्बन, ये है दो कार्बन गाइस, हमें पता है यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब जैसे ही डबल बॉन्ड लगा, आपको पता है कार्बन चार बॉन्ड बनाता, तो कंप्लीट कीजिए, इस कार्बन के दो बॉन्ड ये हो गए तीसरा चौथा, इस कार्बन के दो बॉन्ड ये हो गए तीसरा चौथा, आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। सो इस तरीके से हमने C2H4 का डायग्राम बनाया। मूव करते हैं C3H6 की तरफ, सो वी हैव थ्री कार्बन, हमारे पास तीन कार्बन है। अब जहां पे भी आपको पसंद है किसी भी एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो मैंने यहां लगा दिया और एक जगह पे सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करते हैं, इस कार्बन के दो बॉन्ड ये हो गए तीसरा चौथा, इस कार्बन के दो बॉन्ड ये हो गए तीसरा ये हो गया चौथा ये हो गया, इस कार्बन का 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए गाइस, वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। सो ये है हमारा C3H6 का स्ट्रक्चर। मूव करते हैं C4H8 में, सो वी हैव फोर कार्बन, हमारे पास है यहाँ पे फोर कार्बन गाइस, और आपको कोई भी पोजीशन जो पसंद है वहां पे लगा दीजिए, एक जगह पे डबल बॉन्ड और जगह पे सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, इस कार्बन का पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, इस कार्बन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस कार्बन का 1, 2, 3, 4, इस कार्बन का 1, 2, 3, 4। अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए गाइस, वो अपने आप ही बैलेंस होके 8 हो जाएंगे। सो वी हैव 8 हाइड्रोजन। सो गाइस सबसे पहले हमने बनाया कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला से हमने बनाया स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के दौरान हमें पता चला कि मिथीन नहीं बन सकता क्योंकि कार्बन अपने चार बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं कर पा रहा है गाइस। अब आते हैं इनके IUPAC नेमिंग। तो गाइस अगर मैं इनका IUPAC नेमिंग लेता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो आप काउंटिंग कीजिए, वी हैव वन कार्बन, वी हैव टू कार्बन, तो टू कार्बन पे जब हम नेमिंग करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, विच वी कॉल वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। तो दो कार्बन पे हम क्या लिखते हैं वर्ड रूट, हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं एथ, तो यहाँ पे दो कार्बन है तो आ गया एथ। अब प्राइमरी सफिक्स क्या बताता था, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड पे हम लोग क्या लिखते हैं ईन, तो इसका नाम हो गया इथीन गाइस। लेकिन जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो देखिए यहाँ पे वन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये कहलाएगा H1E, तो ये बन गया इथीन। वहीं पे अगर हम C3H6 की तरफ चलते हैं गाइस, तो हम काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग वहां से करना जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े, जैसे यहां से पास पड़ रहा है तो 1, 2 और 3, तो तीन कार्बन पे हम लोग लिखते हैं प्रॉप एज अ वर्ड रूट, तो ये प्रॉप कहलाएगा यहाँ पे वर्ड रूट। और आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे ईन, तो ये ईन यहाँ पे क्या है प्राइमरी सफिक्स, और पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की वन पे आ रहा है, तो ये कहलाएगा प्रॉप 1E।
मूव करते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ. सो वी हैव फोर कार्बन. देखिए दोनों जगह से बराबर पड़ रहा है, कहीं से भी काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर. तो फोर पे आप क्या लिखते हैं वर्ड रूट बुट. तो बुट आपका यहां पे क्या हो गया वर्ड रूट हो गया. डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे ईन लिखेंगे. ये आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया. और डबल बॉन्ड कौन सी पोजिशन पे आ रहा है, दूसरे के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुट टू ईन. सो गाइस ये था किस तरीके से कंडेंस फॉर्मूला बनाएंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और किस तरीके से हम इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए मूव करते हैं कुछ और आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं एल्कीन. सो गाइस ये है मेरे पास कुछ क्वेश्चन और हमें इनका लिखना है आईयूपीएसी नेमिंग. सो गाइस जैसे फर्स्ट वाले का अगर मैं आईयूपीएसी नेमिंग लिखता हूं तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है. देखिए डबल बॉन्ड इस कार्बन की साइड से पास पड़ रहा है, तो वन टू थ्री फोर फाइव. और फाइव पे हम वर्ड रूट क्या लिखते हैं, फाइव पे हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं पेंट. तो ये पेंट आपका कहलाएगा वर्ड रूट. और आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं ईन, जो कहलाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स. और ये ईन कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ये दूसरे के बाद आ रहा है, तो ये बन जाएगा पेंट टू ईन. गाइस मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे आपको दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं गाइस. तो दो डबल बॉन्ड में अगर मैं काउंटिंग करता हूं तो वन टू थ्री फोर फाइव. और फाइव पे आप वर्ड रूट लिखते हैं पेंट, तो पेंट आपका हो गया यहाँ पे वर्ड रूट. आपको डबल बॉन्ड दो दिख रहे हैं, तो दो डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोला था डाईन. क्या लिखना है डाईन आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा प्राइमरी सफिक्स कहलाएगा गाइस. क्या कहलाएगा प्राइमरी सफिक्स कहलाएगा. और पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, एक तो वन पे आ रहा है और एक फोर पे आ रहा है, तो हम कहेंगे वन कॉमा फोर पे क्या आ रहा है गाइस डाईन आ रहा है. और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा गाइस, जैसे ही प्राइमरी सफिक्स में स्टार्टिंग होती है कॉन्सोनेंट की, ये रहा कॉन्सोनेंट, यहाँ पे देखिए वॉवल चल रहा था, ये ई वॉवल था, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गया, तो ये पेंट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा पेंटा. ये कहलाएगा पेंटा डाईन गाइस. मूव करते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं. जैसे इसकी काउंटिंग करूंगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. तो सिक्स पे हमें क्या लिखना चाहिए वर्ड रूट हेक्स. सो हेक्स हमारे यहाँ पे वर्ड रूट हो गया. हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं दो, तो हम क्या लिखेंगे डाई लिखेंगे और हम लिखेंगे ई. ये डाई ई क्या कहलाएगा प्राइमरी सफिक्स. पोजीशन क्या है इनकी, एक तो वन पे आ रहा है थ्री पे आ रहा है, तो वन कॉमा थ्री डाई. अब आपको पता है कि प्राइमरी सफिक्स की स्टार्टिंग अगर वोवल से होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, लेकिन अगर उसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो जाती है, जैसे यहाँ पे डाई लिखा है डी, डी एक कॉन्सोनेंट है, तो वर्ड रूट में एक एक्स्ट्रा ए आ जाता है, तो ये बन जाएगा हेक्सा वन थ्री डाई ई. सो आई होप गाइस आपको एल्कीन का हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली कोई भी सेशन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तब तक थैंक यू सो मच.